बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नायोसोम्स पार्ट 4 इन फार्मास्यूटिकल नैनो टेक्नोलॉजी एंड नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। प्रीवियसली वी हैव स्टडीड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इन प्रीवियस पार्ट्स वी हैव स्टडीड इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, जनरल करेक्टरिस्टिक्स, कंपोजिशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, comparison of niosomes with liposomes, and in part 2 we have studied types of niosomes. Part 3 we started methods of preparation of niosomes, and up till now we have studied 5 different methods of preparation of niosomes, and in part 2 we will further discuss 5 more methods and complete total 10 methods of preparation of niosomes. So in part 4 we are going to discuss last 5 methods of preparation of niosomes. Firstly, we have discussed that there are 10 methods through which we can prepare niosomes, which we have discussed earlier, that are ether injection method, handshaking method, sonication method, microfluidization method, multiple membrane extrusion method. And now we are going to study these last 5 methods. These are reverse phase evaporation method, transmembrane pH gradient method, the bubble method, heating method, and formation of niosomes from proniosomes. So starting from the 6th method, that is phase evaporation, reverse phase evaporation technique. Achha ji. So in this method we are going to prepare 2 solutions. I will repeat this method many times so that you can understand it properly. First of all, this method involves the preparation of a solution of cholesterol and surfactant in a mixture of ether or phosphate buffer and chloroform. So we are going to make one solution of cholesterol and surfactant. हमने एक सोल्यूशन बनाना है कोलेस्ट्रॉल और सर्फेक्टेंट का, किसमें बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म का सोल्यूशन या तो फॉस्फेट बफर और ईथर में ईथर के साथ बनाएंगे, और हम उसमें कोलेस्ट्रॉल और सर्फेक्टेंट को ऐड कर देंगे 1:1 के अंदर। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन बन गया जिसको हम ऑर्गेनिक फेज भी कह सकते हैं। सेकेंड हम क्या करेंगे, हम एक एक्वस फेज बनाएंगे, वी विल मेक एन एक्वस फेज कंटेनिंग द ड्रग टू बी लोडेड इन is added to this, and the resulting two phases are sonicated at 4 and 5 to 5 degree centigrade. हमने इस सोल्यूशन 1 बनाया जो ऑर्गेनिक सोल्यूशन था जिसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल और सर्फेक्टेंट था क्लोरोफॉर्म और फॉस्फेट बफर में या क्लोरोफॉर्म और ईथर के अंदर। सेकेंड हमारे पास एक्वस फेज था जिसमें हमारे पास ड्रग था, हमने दोनों को मिक्स किया, सोनिकेट किया एट 4 to 5 degree centigrade। जब ऑर्गेनिक फेज और एक्वस फेज आपको पता है आपस में मिक्स होंगे और सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इमल्शन बन जाएगा। जब भी हम जिक्र करते हैं रिवर्स फेज एवेपोरेशन, फेज का वर्ड जहाँ भी आता है तो हमारे जहन में इमल्शन का वर्ड आना चाहिए क्योंकि ये भी एक बायोफेजिक सिस्टम होता है। अब जो हमारे पास बेटे इमल्शन बनेगा हमने उसको रिवर्स करना है, हमने उसकी एक फेज को एवेपोरेट कराना है, इसलिए हम इस टेक्निक को कहते हैं रिवर्स फेज एवेपोरेशन टेक्निक। सो हम क्या करेंगे, फेज वन और फेज टू को मिक्स होने के बाद अ क्लियर जेल इज फॉर्म्ड विच इज फर्दर सोनिकेटेड आफ्टर द एडिशन ऑफ फॉस्फेट बफर सलाइन। आफ्टर दिस द टेम्परेचर इज रेज टू 40 degree centigrade एंड प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू रिमूव द ऑर्गेनिक फेज। जब हमारे पास एक फेज को एवेपोरेट कराना है तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, तो जो ऑर्गेनिक फेज है वो ग्रेजुअली वहाँ से एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगी, इसलिए इसको कहा गया रिवर्स फेज एवेपोरेशन टेक्निक। दिस रिजल्ट इज अ वेरियस नायोसोम सस्पेंशन विच कैन बी डाइल्यूटेड विद फॉस्फेट बफर एंड हीटेड ऑन अ वाटर बाथ एट 60 degree centigrade फॉर 10 minutes टू यील्ड नायोसोम्स। फिर हमने क्या किया कि हमने इसके अंदर दोबारा से फॉस्फेट बफर ऐड कर सकते हैं, इसको हीट कर सकते हैं, और वजह क्या है उसको हीट करने की या फॉस्फेट बफर ऐड करने की, ताकि हमारे जो सर्फेक्टेंट है उसका इंट्रैक्शन हो विद एक्वस फेज मोर और सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में फोल्डिंग करें और नायोसोम्स की स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करें।
इसको फर्दर आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। हमने क्या किया, हमने सर्फेक्टेंट लिया, कोलेस्ट्रॉल लिया, इसको डिसॉल्व किया या तो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फेट बफर के सोल्यूशन में या कोलेस्ट्रॉल और क्लोरोफॉर्म और ईथर के सोल्यूशन में। और हमने उसके बाद इसके अंदर जब हम फॉस्फेट बफर डालेंगे, एक्वा सोल्यूशन डालेंगे अपनी ड्रग का, तो हमारे पास इमल्सिफिकेशन हो जाएगी और एक हमारे पास इमल्शन बन जाएगा। फर्दर हम इसको सोनिकेट करेंगे, सोनिकेट करने से और हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म होगा, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है, वो एवेपोरेट हो जाएगा। जब वो एवेपोरेट हो जाएगा तो हमारे पास जो सर्फेक्टेंट्स हैं वो कम इन कॉन्टैक्ट आएंगी विद हमारे विद वाटर हाई एक्वास्पेस, जिसके रिजल्ट में जो हमारे पास सर्फेक्टेंट हैं वो वेजिकल्स फॉर्म में अरेंज कर देंगे और हमारे पास लार्ज रेगुलर वेजिकल्स बन जाएंगे। और हम इस टेक्निक को रिवर्स फेज इवेपोरेशन टेक्निक क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑर्गेनिक फेज को रिमूव किया है। फिर से एक दफ़ा लास्ट टाइम स्टडी करते हैं ताकि आपको ऑनलाइन एजुकेशन में प्रॉपरली समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चन माइंड में ना रहे। सबसे पहले हमने अपना सर्फेक्टर और कोलेस्ट्रॉल लिया था, जिसको हमने ऑर्गेनिक फेज में ऐड किया था। इसमें ऑर्गेनिक फेज में हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है और हमारे पास साथ में या तो ईथर हो सकता है या हमारे पास फॉस्फेट बफर हो सकता है। साथ में हमने एक और फेज ली जो कि हमारे पास एक्वस फेज थी और इसमें हमारे पास ड्रग इनकॉर्पोरेटेड थी। ये हमारे पास फेज वन हो गई और ये हमारे पास फेज टू हो गई। फिर हमने क्या किया, हमने इन दोनों फेजेस को मिक्स कर दिया, दोनों फेजेस को मर्ज कर दिया। जब हमने मर्ज किया इन दोनों फेजेस को तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बना, ये दो फेजेस आपस में एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट आए। अभी भी लेकिन हमारे पास जो सर्फेक्टेंट है स्टूडेंट्स, वो किसके अंदर है, वो ऑर्गेनिक फेज के अंदर है, यहाँ पे है। और सर्फेक्टेंट का डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट एक्वस फेज के साथ नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमारे ऑर्गेनिक फेज के अंदर इनक्लोज्ड है। फिर क्या किया, हम लोगों ने इसको सोनिकेट किया, सोनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो हमारा जो ऑर्गेनिक फेस है वो आहिस्ता आहिस्ता वाटर के अंदर एडअप होना शुरू होगा, जिससे आपको यहाँ पे टोटल फेस में नज़र आ रहा है। जैसे आप इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये इमल्शन फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा, ऑयल फेस जो है वो एक्वस फेस के साथ मर्ज होना शुरू हो जाएगी और हमारे पास रिजल्टेंट इमल्शन बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हमने एवेपोरेट करना है एक फेज को, हम इसको रोटरी एवेपोरेटर में कंटिन्यूसली रोटेट भी कराएंगे, टेम्परेचर को भी इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने से, प्रेशर को रिड्यूस करने से हमारा जो ऑर्गेनिक फेज है वो एवेपोरेट होता रहेगा। जब ऑर्गेनिक फेज स्टूडेंट्स एवेपोरेट होगा तब हमारा यहाँ पे जो सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो इन कॉन्टैक्ट आएंगे विद एक्वस विद वाटर मॉलिक्यूल। सर्फेक्टेंट और वाटर मॉलिक्यूल आपस में इन कॉन्टैक्ट आएंगे। जब सर्फेक्टेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में इन कॉन्टैक्ट आएंगे तो सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स फोल्डिंग स्टार्ट करेंगे, जिसे हमने पता है कि उनका बिहेवियर होता है कि वो अपने आप को फोल्ड करते हैं और यहाँ पर राउंड वेजिकल्स बन जाएंगे। जब राउंड वेजिकल्स बन जाएंगे तो हम उन वेजिकल्स को क्या कहेंगे, हम उन वेजिकल्स को कहेंगे नायोसोम्स। सो दैट वॉज अ सिंपलेस्ट मैथड जिसके थ्रू हम लोगों ने नायोसोम्स को बनाया है। इसको हम टेक्निक को रिवर्स फेज इवेपोरेशन टेक्निक कहते हैं। इसमें पहले हम इमल्शन बनाएंगे, फिर एक फेज को एवेपोरेट कर देंगे, रिवर्स हो जाएगा सिस्टम, रिवर्स फेज हो जाएगा और हमारे पास नायोसोम्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है, टेक्निक नंबर 6 है रिवर्स फेज टेक्निक को। यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया गया है कि पहले सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल जैसे रैंडमली प्लेस हुए हुए होते हैं, फिर वो टू फेज सिस्टम में यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बनाएंगे, इस तरह से वाटर इन ऑयल इमल्शन बन जाएगा। उसके बाद हमने सॉल्वेंट को एवेपोरेट कर देना है, ऑयल को यहाँ से, ऑर्गेनिक फेज को यहाँ से एवेपोरेट कर देना है। जब ऑर्गेनिक फेज एवेपोरेट होगी तो वाटर के साथ इन कॉन्टैक्ट आएगा, तो यहाँ पे देखें ये फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारे सर्फेक्टेंट की और इस तरह से हमारे पास एक राउंड वेजिकल बन जाएगा, जिसके अंदर इनसाइड हमारे पास वाटर इनकॉर्पोरेटेड होगा और उसके अंदर ड्रग इनकॉर्पोरेट होगी। तो ये हमारे पास मेथड था रिवर्स फेज एवेपोरेशन टेक्निक, मेथड नंबर 6। नाउ मेथड नंबर 7।
बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है ये ट्रांस मेम्ब्रेन पीएच ग्रेडियंट मेथड, जिसको हम रिमोट लोडिंग ऑफ ड्रग भी कहते हैं। और पीएच ग्रेडियंट की वजह से, पीएच डिफरेंस की वजह से हमने ड्रग को बेसिकली नायोसोम्स के अंदर लोड कराना है। तो बेसिकली ये वो मेथड है जिसको हम ड्रग को लोड कराएंगे नायोसोम्स के अंदर विद सम सॉर्ट ऑफ पीएच ग्रेडियंट, पीएच डिफरेंस की वजह से। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दिस मेथड अ सोल्यूशन ऑफ सर्फेक्टेंट एंड कोलेस्ट्रॉल इज मेड इन क्लोरोफॉर्म। पहली बात हमने क्या किया कि हमने एक सोल्यूशन बनाया जिसके अंदर हमने सर्फेक्टेंट लिया और कोलेस्ट्रॉल लिया, और हमने इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कोलेस्ट्रॉल में ऐड कर दिया। फिर क्या किया, द सॉल्वेंट इज देन एवेपोरेटेड अंडर रिड्यूस प्रेशर टू गेट अ थिन फिल्म ऑन द वॉल ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क। अब क्या किया कि हमने इस क्लोरोफॉर्म को यहाँ से वेपोरेट कर दिया। जब हम क्लोरोफॉर्म को वेपोरेट कर देंगे तो राउंड बॉटम फ्लास्क के वॉल्स के ऊपर हमारे पास थिन लेयर बन जाएगी, यहाँ पे सराउंडिंग में सर्फेक्टेंट की और कोलेस्ट्रॉल की। अब हमने क्या किया, दिस फिल्म इज देन हाइड्रेटेड यूजिंग सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन। अब हमने इसको हाइड्रेट किया बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस टेक्निक पढ़ी थी मेथड नंबर 1 में, हाइड्रेशन मेथड के अंदर। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं लिया तो पार्ट 3 में मैंने डिटेल में हाइड्रेशन टेक्निक को एक्सप्लेन किया है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हमने सिंपल हाइड्रेट किया था ड्रग के सॉल्यूशन के साथ, लेकिन यहाँ पे अभी हम ड्रग के सॉल्यूशन के साथ हाइड्रेट नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग सिट्रिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ हाइड्रेट कर रहे हैं जिसकी पीएच हमने रखी है 4। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम हाइड्रेट करेंगे, सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ इन कॉन्टैक्ट आएंगे, इस सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन के साथ इन कॉन्टैक्ट आएंगे, सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स फोल्ड होंगे और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर वेसिकल्स बन जाएंगे। द रिजल्टिंग मल्टीलैमिनर वेसिकल्स आर देन ट्रीटेड टू 3 फ्रीज थाव साइकल्स एंड सोनिकेटेड। फर्दर हम इसको फ्रीज थाव साइकल्स के साथ पास करेंगे। ये मेथड भी हम पहले पढ़ चुके हैं, हम फ्रीजिंग और थॉइंग करते हैं, उससे क्या होता है कि MLVs, LUVs में या मल्टी वेजिकुलर वेजिकल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। थर्ड स्टेप क्या करेंगे हम, टू द नायोसोमल सस्पेंशन देन वी विल एड एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग 10 mg/ml ऑफ द ड्रग एंड वोर्टेक्स इट। जब हमारे पास नायोसोम्स बन गए, MLVs बन गए, उसके बाद हम लोगों ने दोबारा से एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ड्रग को इसमें ऐड किया। पहले जो हमने एक्वस सॉल्यूशन ऐड किया था वो सिट्रिक एसिड का था, उसमें ड्रग नहीं थी। MLVs बनने के बाद, नायोसोम्स बनने के बाद, फ्रीज थॉ होने के बाद, अब हमने अपनी ड्रग के सॉल्यूशन को ऐड किया, लेकिन किस पीएच पर। द पीएच ऑफ द सैंपल इज देन रेज्ड टू 7 to 7.2 यूजिंग 1 molar डायसोडियम फॉस्फेट। लेकिन अब हमने डिफरेंस क्या किया कि हमने अब जो पीएच एडजस्ट की है पूरे सिस्टम की, वो बेसिक पीएच अचानक से कर दी है। दिस कॉज इज द ड्रग विच इज आउटसाइड द वेसिकल टू बिकम नॉन आयनिक एंड देन क्रॉस द नायोसोमल मेम्ब्रेन एंड वंस इनसाइड इट इज अगेन आयोनाइज्ड, दस नॉट अलाउइंग इट टू एग्जिट द वेसिकल। The mixture is later heated at 60°C for 10 minutes to give niacinamides. मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सर्फेक्टेंट लिया, कोलेस्ट्रॉल लिया, इसका सॉल्यूशन बनाया क्लोरोफॉर्म में, इस तरह से हमने कुछ लिया राउंड बॉटम फ्लास्क में इन सब चीज़ों को। फिर हमने इसमें से क्लोरोफॉर्म को वेपोरेट करा दिया, तो हमारे पास एवेपोरेशन के रिजल्ट में एक थिन लेयर यहाँ पे बन गई। उसके बाद हमने इसको हाइड्रेट किया विद सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन के साथ। जैसे ही हम इसको यहाँ पे हाइड्रेट करेंगे तो हमारे पास वेसिकल्स फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, ऐसे MLVs, मल्टी लैमिनर वेसिकल। अब इन मल्टी लैमिनर वेसिकल्स को हमने हाइड्रेट किया था क्योंकि सिट्रिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ, तो हमारे पास इसकी जो पीएच थी इनसाइड वो 4 है, आयनिक है। मैं यहाँ 4 लिख देती हूँ, सॉरी एसिडिक है। फिर हम इसको फ्रीज थॉ के डिफरेंट साइकल्स करेंगे जिससे ये MLV जो होंगे फर्दर साइज इनका रिड्यूस होगा और नंबर ऑफ
लेमिलाज रिड्यूस होगा। अब इन MLVs के अंदर हम लोगों ने एक्वा सोल्यूशन ऑफ ड्रग को ऐड किया, लेकिन अराउंड दैट MLVs हमने pH को रखा बेसिक। अब इसके सराउंडिंग में जो pH है वो स्टूडेंट्स कौन सी है, वो बेसिक pH है। अब बेसिक pH पे जो हमारी ड्रग है बेसिकली वो है अनआयनाइज्ड। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको पता है जब हमारी ड्रग अनआयनाइज होती है तो वो अनआयनाइज फॉर्म में इस मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके अंदर एंटर हो जाती है। बाहर पीएच बेसिक थी, बेसिक पीएच में बेसिक ड्रग हमारी अनआयनाइज है और वो अंदर क्रॉस करके वेजिकल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गई है। जैसे ही वो वेजिकल के अंदर जाएगी तो यहाँ पर पीएच हमारी एसिडिक होगी। पीएच हमारी एसिडिक थी सिट्रिक एसिड ऐड करने की वजह से। जैसे ही वो एसिडिक पीएच पे जाएगी तो हमारी ड्रग दोबारा से इनसाइड दैट वेजिकल आयोनाइज हो जाएगी। अब ड्रग हमारी क्योंकि आयोनाइज हो गई है, अब ये आयोनाइज ड्रग इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं आ सकती, इसलिए इट विल रिमेन इनट्रैप्ड इनसाइड द वेजिकल्स। बेसिकली वी हैव डन ड्रग अपटेक प्रोसेस थ्रू पीएच ग्रेडियंट डिफरेंस। नायोसोम्स हमारे पहले ही बन चुके थे इस स्टेप के ऊपर, हमने इसको फ्रीज थॉ किया, फर्दर रिफाइन किया। ड्रग लोड कराने के लिए हमने बाहर 1 मोलर ड्राई सोडियम फॉस्फेट का सोल्यूशन ऐड करके बेसिक इन्वायरमेंट को क्रिएट किया। ड्रग उसके अंदर अनआयोनाइज थी, ये अनआयोनाइज ड्रग हमारी क्रॉस कर गई नायोसोम्स की मेम्ब्रेन को। अंदर जैसे ही क्रॉस किया एसिडिक इन्वायरमेंट था, ड्रग आयोनाइज हो गई एसिडिक इन्वायरमेंट में, आयोनाइज ड्रग इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं आ सकी, ड्रग अंदर इंट्रैप हो गई। और फर्दर हमने इसके अंदर अगर फॉस्फेट बफर ऐड करना है किया था तो हम इसको हीट करेंगे ताकि एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो सिस्टम से रिमूव हो जाए और हमारे पास नायोसोम्स के ड्राई फॉर्म में या लेस वाटर कंटेनिंग फॉर्म में आ जाए। That is the simple process in which we incorporated our drug through pH gradient. क्योंकि हमने pH difference को इस्तेमाल किया है यहाँ पर drug को incorporate करने के लिए, इसलिए हमने इसको transmembrane pH gradient method का नाम दिया गया है। बड़ा simple सा और बड़ा आसान सा process है, इसमें हम लोगों ने pH को vary करते हुए drug को actively इसके अंदर load कराया है। 8th method है हमारे पास bubble method. This technique has now recently been developed and which allows the preparation of niosomes without the use of organic solvent. इसका एक important बात यह है कि इस technique को हम बड़े simple way में इस्तेमाल करते हैं, recently हम इसको develop कर रहे हैं और हमने इसमें कोई organic solvent use नहीं किया। इससे previous जितने भी techniques हमने पढ़ी हैं उसमें हमने अपने surfactant को हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकॉर्पोरेट किया था, लेकिन इस टेक्निक में हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऐड अप नहीं करेंगे। द बबलिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ राउंड बॉटम फ्लास्क विद 3 necks एंड दिस इज पोजिशन इन अ वाटर बाथ टू कंट्रोल द टेम्परेचर। और हमारे पास चीज़ें क्या क्या हैं, हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसकी 3 necks हैं और हमने उसको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एक वाटर बाथ में रखा हुआ है। वाटर कूल्ड रिफ्लेक्स एंड थर्मोमीटर इज पोजिशन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड नेक। फर्स्ट नेक में हमने वाटर को सर्कुलेट करें, कूल वाटर को जो कि रिफ्लेक्स सिस्टम के लिए हेल्प आउट कर रहा है। दूसरी नेक में हमने थर्मोमीटर को एडजस्ट किया हुआ है, वाइल द थर्ड नेक इज यूज टू सप्लाई नाइट्रोजन। और थर्ड नेक में हमने नाइट्रोजन को सर्कुलेट किया है, तो हमारे पास 3 neck बॉटम फ्लास्क थी। और बॉटम में क्या है, कोलेस्ट्रॉल एंड सर्फेक्टेंट आर डिस्पर्स टुगेदर इन अ बफर एट पीएच 7.4 एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड इन द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। दिस डिस्पर्शन इज मिक्स्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 सेकेंड्स विद अ हाई शेयर होमोजेनाइजर एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड इट इज बबल्ड एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड यूजिंग द नाइट्रोजन गैस टू यील्ड
नायोसोम्स। ये सारा डाटा आपके याद करने के लिए लिखा गया है, आपको समझाने के लिए इजी फॉर्म में। हमारे पास क्या है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, RBF स्टैंड फॉर राउंड बॉटम फ्लास्क, डेट हैज थ्री नेक्स और हमने इसको वाटर बाथ में लिखा रखा हुआ है। नेक नंबर वन से हमने कोल्ड वाटर को रिफ्लक्स के तौर पर ऐड किया हुआ है, नेक नंबर टू में हमने थर्मामीटर इंसर्ट किया हुआ है और नेक नंबर थ्री में हमने नाइट्रोजन को सप्लाई किया है। बॉटम में उसके पास कोलेस्ट्रॉल और सर्फेक्टेंट का सोल्यूशन है, पीएच हमने बेसिक रखी हुई है और टेम्परेचर हमने 70 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है ताकि हमारे पास कंटिन्यूस इवेपोरेशन होती रहे। इसमें डिफरेंस क्या है कि नो यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, किसी किस्म का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने इस्तेमाल नहीं किया। अबव मिक्सचर को हम होमोजेनाइज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज रखेंगे, नाइट्रोजन को सप्लाई करेंगे जो सर्फेक्टेंट है मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन की प्रेशर की वजह से वो अपने आप को फोल्ड करेगा और हमारे पास नायोसोम्स की प्रेपरेशन होगी, जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं। ये नेक नंबर वन है जिसमें हमने कोल्ड वाटर को सर्कुलेट किया। वाटर को क्यों सर्कुलेट किया, कोल्ड वाटर को, टू बैलेंस द टेम्परेचर। नेक नंबर टू में हमने यहाँ पे थर्मोमीटर ऐड किया हुआ है और नेक नंबर थ्री में हमने हाई प्रेशर से नाइट्रोजन को सप्लाई किया है और जो सर्फेक्टेंट और कोलेस्ट्रॉल का हमारे पास सॉल्यूशन है बफर के अंदर, नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो बॉटम में यहाँ राउंड बॉटम फ्लास्क में ऐड किया गया है और ये फ्लास्क एक वाटर बाथ में रखी हुई है। बेसिकली क्या होगा, बबलिंग यूनिट है ये, बबल अप मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन जब हम इसमें अप्लाई करेंगे विद शेयर फोर्स, नाइट्रोजन क्या करेगी, एजिटेशन कॉज करेगी इसके अंदर और हमारे सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली एजिटेशन में आएंगे और यहाँ से वाटर भी हमने सप्लाई किया हुआ है और टेम्परेचर को भी हम इंक्रीज रख रहे हैं, उनकी फोल्डिंग स्टार्ट होगी और इस तरह से हमारे पास नायोसोम्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट वॉज द मैथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नायोसोम्स। बबल अप मैथड है, लेटेस्ट टेक्निक में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ईजी मैथड है और हम इसको यूज़ करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सेकेंड लास्ट हमारे पास मैथड है, नाइन्थ नंबर, हीटिंग मैथड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ मिक्सचर ऑफ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, कोलेस्ट्रॉल एंड चार्ज पार्टिकल्स इंक्लूडिंग मॉलिक्यूल्स सच एज एक्वस मीडियम, बफर्स, डिस्टिल्ड वाटर एक्सेट्रा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ग्लिसरॉल। तो हमने क्या किया, हमने एक मिक्सचर बनाया जिसमें हमारे पास नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स थे, कोलेस्ट्रॉल था, चार्ज मॉलिक्यूल्स थे, बफर, डिस्टिल वाटर, कोई भी और सॉल्वेंट जो हमने ऐड करना था हमने उन सबको मिक्स कर लिया। फिर हमने क्या किया, देन द मिक्सचर इज हीटेड वाइल्ड स्टीरिंग एट लो शेयर फोर्सेज अंटिल वेसिकल्स आर फॉर्म्ड। वेरी सिंपल, हमने इंग्रेडिएंट्स लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स थे, सर्फेक्टेंट था, कोलेस्ट्रॉल था, एक्वस मीडियम था, ड्रग थी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था और यहाँ पे फ़र्क क्या है कि हमने इसको हीट किया है, हमने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की है। इट इज़ अ नॉन टॉक्सिक मैथड और वन स्टेप मैथड है, इसलिए बहुत ईजीएस्ट मैथड है और हम इसको स्टडी करते हैं। क्या किया, सबसे पहले हमने अपना सर्फेक्टेंट लिया और हमने इसको एक्वस सॉल्वेंट में इनकॉर्पोरेट किया, कोलेस्ट्रॉल लिया, इसको भी एक्वस सॉल्वेंट में इनकॉर्पोरेट किया। आपको पता है कि ये अब दोनों एक्वस फेजेस में सॉल्युबल नहीं होंगे तो हमने इसको हीट किया 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर 15 मिनट्स। हीटिंग के रिजल्ट में हमारे पास क्या आया, इन दोनों का सोल्यूशन बन गया, कोलेस्ट्रॉल का सोल्यूशन बन गया और सर्फेक्टेंट का सोल्यूशन बन गया ड्यू टू हीट। फिर हमने क्या किया, इन दोनों सोल्यूशंस को आपस में मिक्स किया, मर्ज किया और स्टीरिंग की 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब सर्फेक्टेंट का सोल्यूशन बेसिकली यहाँ पे जब वाटर के साथ इन कॉन्टेक्ट आया था तो यहाँ पे हमारे पास वेसिकल्स बनना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन जब हमने कोलेस्ट्रॉल का सोल्यूशन ऐड किया तो कोलेस्ट्रॉल ने इसको रिजिडिटी फर्दर प्रोवाइड की, स्ट्रेंथ प्रोवाइड की और स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, जिसके रिजल्ट में हमारे पास फाइनल सस्पेंशन में नायोसोम्स बन गए। तो बेसिकली हमने क्या किया,
यहाँ पे MLBs बनाए थे और उनको फर्दर कोलेस्ट्रॉल का सोल्यूशन ऐड करने से फर्दर हमने उनको मोर स्टेबलाइज किया और रिजिड बनाया ताकि बेहतर ड्रग की इंट्रैपमेंट हो सके, बेहतर स्ट्रेंथ ऑफ नायोसोम्स हो सके। बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है टू फॉर्मुलेट नायोसोम्स थ्रू हीटिंग मेथड। आजकल रिसर्च में इस्तेमाल हो रहा है, लेटेस्ट टेक्निक्स बनाई जा रही हैं टू फॉर्म मोर ईजियर नायोसोम्स। लास्ट मेथड हमारे पास है 10th, फॉर्मेशन ऑफ प्रोनायोसोम्स एंड नायोसोम्स फ्रॉम प्रोनायोसोम्स। सो बेसिकली बहुत जगह लिखा आएगा फॉर्मेशन ऑफ नायोसोम्स फ्रॉम प्रोनायोसोम्स, मैंने इसको दो मेथड में डिवाइड कर दिया है। पहले हम प्रोनायोसोम्स बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोनायोसोम्स, और उसके बाद हम प्रोनायोसोम्स से बेसिकली नायोसोम्स बनाएंगे। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने प्रोनायोसोम्स बनाए। प्रोनायोसोम्स हम कैसे बनाएंगे, सारा मेथड लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। टू क्रिएट प्रोनायोसोम्स आर वाटर सॉल्युबल कैरियर सच एज सॉर्बिटोल इज फर्स्ट कोटेड विद द सर्फेक्टेंट। बेसिकली हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोनायोसोम्स क्या हैं। प्रोनायोसोम्स क्या हैं कि हमारे पास एक कैरियर होता है, फॉर एग्जांपल सॉर्बिटोल, और हम इसको अगर कोट कर दें, मैं इसको दोबारा से लाइन लगा देती हूँ इसके गिर्द, अगर हम इसको कोट कर दें सर्फेक्टेंट से और ड्राई कर दें तो इस वेसिकल को हम क्या कहते हैं, प्रोनायोसोम कहते हैं। बनेगा कैसे कि हमने क्या किया कि एक सॉर्बिटोल का पाउडर लिया और हमने इसको कोटिंग की, किससे, सर्फेक्टेंट से। सर्फेक्टेंट की कोटिंग हम कैसे करेंगे, द कोटिंग इज डन बाय प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सर्फेक्टेंट विद कोलेस्ट्रॉल एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हमने क्या किया कि हमने सर्फेक्टेंट लिया, उसको डिसॉल्व किया वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और कोलेस्ट्रॉल में और इसकी कोटिंग कर दी, विच इज स्प्रेड ऑन टू द पाउडर ऑफ सॉर्बिटॉल कैप इन अ रोटरी इवेपोरेटर। मैं रिपीट करती हूँ, हमने क्या किया कि पहले तो कोटिंग बनाई, किसकी, सर्फेक्टेंट की। सर्फेक्टेंट को हमने ऐड किया कोलेस्ट्रॉल में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर और उसको स्प्रे कर दिया सॉर्बिटॉल के मॉलिक्यूल्स के ऊपर और उसको किया रखा हमने रोटरी एवेपोरेटर में। जब हमारे पास सॉर्बिटॉल के मॉलिक्यूल्स के ऊपर अब स्प्रे हो चुका है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का, कोलेस्ट्रॉल का और सर्फेक्टेंट का, अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को एवेपोरेट करा देना है ताकि हम इसको ड्राई करके प्रोनायोसोम्स बना दें। द एवेपोरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यील्ड्स अ थिन कोट ऑन द सॉर्बिटॉल पार्टिकल्स। द रिजल्टिंग कोटिंग इज अ ड्राई फॉर्मुलेशन इन विच अ वाटर सॉल्युबल पार्टिकल इज कोटेड विद अ थिन फिल्म ऑफ ड्राई सर्फेक्टेंट। दिस प्रिपरेशन इज टर्म्ड एज प्रोनायोसोम्स। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो वाटर सॉल्युबल पार्टिकल था सॉर्बिटॉल, हमने इसको कोट कर दिया विद द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल को कहेंगे हम प्रोनायोसोम मॉलिक्यूल, इससे हमने नायोसोम्स बनाए। तो हम कैसे बनाएंगे, सर्फेक्टेंट इसकी सरफेस के ऊपर है, हमने सिंपल क्या करना है, इसको हाइड्रेट करना है। जैसे ही हम हाइड्रेट करेंगे सर्फेक्टेंट का इन कॉन्टेक्ट आएगा एक्वास्फेयर के साथ और वो फोल्डिंग करेगा और स्टेबल नायोसोम्स बना देगा। तो स्टडी कर लेते हैं, द नायोसोम्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रोनायोसोम्स बाय एडिंग द एक्वस फेज विद द ड्रग टू द प्रोनायोसोम्स विद ब्रीफ एजिटेशन एट टेम्परेचर ग्रेटर देन द मीन ट्रांजिशन फेज टेम्परेचर ऑफ द सर्फेक्टेंट। टेम्परेचर हम रखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा जो कि मीन ट्रांजिशन टेम्परेचर था। सबसे पहले हमारे पास कैरियर है, फॉर एग्जाम्पल सॉर्बिटॉल, इसको हमने कोटिंग की सर्फेक्टेंट से और प्रोनायोसोम बन गया। अब देखें हमने यहाँ पे इसकी जो लेयरिंग है वो ठीक शो करती है कि ये प्रोनायोसोम है और ये कैरियर है। डिफरेंस क्या है कि कैरियर के ऊपर कोटिंग हुई हुई है हमारे पास सर्फेक्टेंट की और कोलेस्ट्रॉल की। हमने क्या किया था, सर्फेक्टेंट लिया था, कोलेस्ट्रॉल लिया था और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया था, इन तीनों का मिक्सचर बनाया था, स्प्रे किया था और उसके बाद इसको ड्राई कर लिया था तो प्रोनायोसोम बन गया। फिर प्रोनायोसोम से नायोसोम्स बनाने के लिए हमने वाटर लिया, उसमें ड्रग ऐड की और इसको हाइड्रेट किया। जैसे ही हाइड्रेट किया जो सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के सरफेस पे थे उन्होंने फोल्डिंग स्टार्ट की, रिजिड स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे ये नायोसोम्स में कन्वर्ट हो गए। इस तरह से हमने फ्रॉम प्रोनायोसोम्स नायोसोम्स को बना दिया।
Water soluble carrier such as sorbitol is coated with surfactant. The result of the coating process is a dry formulation in which each water soluble particle is covered with a thin film of dry surfactant. This preparation is termed as proniosomes. The niosomes are recognized by addition of aqueous phase as temperature greater than mean phase transition temperature with brief agitation. ये मीन फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर फेज ट्रांजिशन हो रही होती है. सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टिंग इनटू नायोसोम्स, वो बाय लेयर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं. उस टेम्परेचर को कहते हैं फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर. तो अगेन लास्टली हम रिपीट कर रहे हैं, हमारे पास कैरियर है सॉर्बिटॉल, हमने सर्फेक्टेंट से इसकी कोटिंग की हुई है और ड्राई फिल्म सर्फेक्टेंट के हमारे पास इसकी सरफेस के ऊपर है और इनसाइड दिस हमारे पास क्या है, ये सॉर्बिटॉल के पार्टिकल्स हैं, इसलिए हमने इसको कहा है प्रोनायोसोम्स. हम इसको हाइड्रेट करेंगे किस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर शुड बी मोर देन मीन फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर. अब इस टेम्परेचर पे देखें क्या हुआ कि यहाँ पे जो कोटिंग थी हमारे पास सर्फेक्टेंट की, वो देखें ये बाय लेयर में कन्वर्ट हो गई इस तरह से और हमारे पास क्या बन गया, नायोसोम्स बन गया. तो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड जिसमें हम प्रोनायोसोम्स से नायोसोम्स में कर लेते हैं कन्वर्ट. हम ये करते क्यों हैं, हमारे पास ये कन्वीनियंट मेथड है, रिसर्च में इजी है, लैब्स में इजी है, प्रोनायोसोम्स बने बनाए हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हमने बस उसको रिहाइड्रेट करना होता है और हमने उससे दोबारा से नायोसोम्स बनाने होते हैं. किट्स अवेलेबल होती हैं, छोटी छोटी बॉटल्स में प्रोनायोसोम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं. हम सिंपल अपनी ड्रग के सॉल्यूशन से इसको हाइड्रेट करते हैं और हमारे पास नायोसोम्स बन जाते हैं. तो अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड फर्दर फाइव डिफरेंट मेथड्स, टोटल हमने 10 मेथड्स को डिस्कस किया है टू प्रिपेयर नायोसोम्स. 5 मेथड हमने पार्ट 3 में पढ़े हैं, 5 मेथड हमने पार्ट 4 में पढ़े हैं. पार्ट 5 कंटिन्यूड है जिसमें हम करेक्टराइजेशन को पढ़ेंगे और टारगेटिंग को पढ़ेंगे. अप टिल नाउ गुड लक और इसको अच्छी तरह से स्टडी करें और इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो आप उसको